अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस सब लोग ठीक हो? दिस इज मिसा नाम अबुल। तो आप लोगों ने कैसे बारिश इंजॉय करी और मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में रोड वगैरह कैसा हाल था। और एक दिन पहले बारिश और दूसरे दिन जो गर्मी है वो भी आप लोगों को सब लोगों को पता है। तो कुछ जरूरी काम के लिए हम गए हुए थे तो सामान उठाना वगैरह था, तो वो हमारा जब रास्ते में तो जब तो बारिश है कोई पता ही नहीं था, मगर और जगह पर एरियाज पर हो रही थी आयशा मस्जिद करीमबाद वाले साइड, ये साइड जो ना वहाँ पर बारिश वगैरह हो रही थी। और जो हमारा साइड तो वहाँ पर बारिश का कोई पता ही नहीं था, तो हम तो आराम से इजीली घर पर निकले। तो उसके बाद जो आपको हमें मिली है आयशा मंदिर वाटर पम्प और करीमाबाद के साइड पर हमें खूब बारिश अच्छी खासी मिली, पर हम इतने से भी गिरे नहीं हुए क्योंकि हम इतने सेफली गए। यहाँ पर हम कुछ भी हम गिरे वगैरह नहीं हुए। वहाँ पर हम जल्दी से अपना जो सामान हमें कलेक्ट करना था वो सारा हमने अपने सामान कलेक्ट कर जल्दी जल्दी। और इत्तेफाक से शुक्र है हमारा थोड़ा सेल बच गया था क्योंकि पानी के अंदर डूबा नहीं था, डूबकर वो तो ख़राब होने ही था। थोड़ा सा हमने शॉपर वगैरह इंतज़ाम करा वहाँ, और फिर उसके बाद जो हमने अपने घर पर आने के बाद कराए क्या कराए वो भी मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि कराची में जो रोडों का हाल हुआ था, पर सामान तो इतनी जल्दी हमने परचेज कर लिया था, जो कुछ हमें सामान लेना था वो हमने झटपट लिया, और इसके बाद हम फौरन डरवाना हो क्योंकि कुछ पता नहीं था बारिश का क्या हाल होने वाला। तो ये हैदी साइड नाजमाबाद साइड पूरे जो रोड थे ऐसे पानी था जिसे बंदा जो ना फंस गया पूरे रोडों पर, ऐसे रोड हो रहे कितना यहाँ आप लोगों बाइकों पर नज़र आ रही कि कैसे लोग इतने मुश्किलों से इन्होंने जो दिल्ली का सफर था ना वो आपको एक दो घंटे लग रहे थे घर तक पहुँचने, क्योंकि इतना पानी था। इतना पानी करीमाबाद हैदरी साइड पर इतना पानी था, और नाजमाबाद फिर नागन साइड पर पूरे पूरे पानी था। और फिर उसके बाद जो बारिश के मौसम में पकौड़े आलू चाट ये चीज़ें जो होती है ना अलग ही मज़ा होता है। फिर उसके बाद चाय वगैरह इतना थकने के बाद आने के बाद हमने ये पकोड़े चाय जो बारिश के जो मज़े होते हैं वो हमने मज़े से इंजॉय करे। सबने मिल बांट के ये अपने चीज़ें ले रही कह दे, एक बंदे ने जो ना पकौड़ियाँ इन चीज़ों में लगी है, एक बंदा चाय की तरफ लग गया, और एक बंदा जो आलू की जो खट्टे आलू नहीं होते उसकी रेसिपी वो भी इस वीडियो में आपको नज़र आई। वो आप अपने आईडी से देख लिए कैसी वीडियो है, मैंने ऐसी ही बनाई है ना, मैंने कहा ऐसी व्लॉग ले लेते हैं हम। सो फ्रेंड्स खट्टे आलू की रेसिपी मेरी बहन की थी, क्योंकि वो बोल रही थी मुझे खट्टे आलू बहुत मज़े के बनाने आ गए। मैंने कहा जब तुम आओगी ना तो तुम मान के खुद बनाना। तो हम लोगों ने इस बारिश को इंजॉय कर, तो आप लोगों ने कैसे इंजॉय करा, किस तरह आप लोग क्या करते हैं वो सब मुझे बताइएगा ज़रूर, क्या क्या करते हैं आप लोग हमारे तो इसी तरह। और रास्ते में भी हमें ये ऐसी स्मेल वगैरह आ रही थी यार, यहाँ पर कुछ स्मेल सी आ रही है पकौड़ियाँ वगैरह ये चीज़ें जो बारिश की होती हैं, तो ये चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। तो हमने रास्ते में तो हमने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं ली क्योंकि हमें घर तक आना था, क्योंकि काफ़ी दूर का सफ़र था, घर तक आना मुश्किल हो गया था क्योंकि पानी इतना था। हैदरी नाजमाबाद यहाँ पर साइड पर नागन पर यहाँ पर फुल पानी था रोड पर, तो इतने कट मार के हम काफ़ी टाइम में हम घर पहुँचे थे क्योंकि बारिश की वजह से। बारिश इतनी नहीं जितना पानी वहाँ पर रोडों का हाल इतना बुरा हुआ। फिर ये सब चीज़ें हमने घर पर आने के बाद करी हैं, झटपट ये रेसिपी है पकौड़े ये पैन बना रही है, ये दूसरी मैंने अपनी आलू खट्टे आलू की रेसिपी ये सब चीज़ें जो। तो आप लोग कैसे करते हैं, आप लोगों के क्या स्पेशल बन रहा होता है बारिश में और क्या किस तरह करते हैं वो ज़रूर मुझे बताइएगा। आई होप आपको मेरी ब्लॉग अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक करेगा, और जो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें और बेल आइकॉन भी डन कर दें। फिर मैं आपको जो है ना जो सामान मैं मटेरियल लेने गई थी उसकी मैं वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अभी कुछ उसमें काम वगैरह बाकी है जो मुझे नहीं मिल पा रहा, उसमें जो चीज़ लगानी है वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही क्योंकि मैं कहीं रख कर भूल गई हूँ, वो मुझे अभी तक मिलने का नाम नहीं ले रही हूँ। और अभी भी मुझे लगे कि वो मुझे नहीं मिलने वाली वो चीज़ कहाँ रख कर मैं भूली हूँ और मार्केट में भी नहीं मिल रही, तो फिर मैं ऐसे ही आपके साथ शेयर कर दूँगी। और ये मज़ेदार से खट्टे आलू गए थे, हमारे खट्टे आलू रेडी हो चुके हैं और अब हम सब इंजॉय करने जा रहे हैं। और आई होप आपको ये रेसिपी और व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों मुझे याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, फिर मिले कोई न्यू वीडियो के साथ।